अस्सलाम वालेकुम। यहाँ मेरी रेजिडेंस के करीब एक दोस्त बल्कि काफ़ी सारी स्ट्रीट्स ऐसी हैं जहाँ पे मैं कभी गुज़रता हूँ तो एक तरह से बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाता हूँ और बहुत ही मज़ा आता है। तो आई रियली एंजॉय इट। मैंने सोचा कि आपके साथ ये शेयर करूँ। ये देखें जी, लोगों ने अपने घरों के बाहर ये थोड़े ऐसी जो जगह बाकी होती है रोड के साथ, उसमें गमले रखे हुए हैं और देखें तरह तरह के फूल पौधे लगाए हुए हैं। और यहाँ पे ये सामने आप देख सकते हैं, बिल्कुल कोना सा है, छोटी सी जगह जो खाली पड़ी थी, तो लोगों ने यहाँ पे गमले और इवन यहाँ पे ये जो पुरानी बाल्टियाँ या टब होते हैं उनके अंदर भी मिट्टी डाल के तो ये सारी सब्जियाँ भी उगा लेते हैं ये लोग। और इस तरीके से ये एक तरह से अपना शौक़ भी पूरा कर लेते हैं, साथ थोड़ा सा एनवायरनमेंट का भी फ़ायदा हो जाता है, बचत की बचत भी है, और इससे ज़्यादा गुजरने वाले के लिए एक जो है उसका मूड अच्छा कर देते हैं और बंदा थोड़ा सा ताज़ा हो जाता है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं अपने अपनी गलियों में, स्ट्रीट्स में, जहाँ पे भी हम रहते हैं? तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है काम। पाकिस्तान में तो ये सारी चीज़ें मोस्टली अवेलेबल हैं। यहाँ तो मिट्टी भी लोग ख़रीद के डालते हैं और बाकी चीज़ें भी इनको यहाँ से ख़रीदनी पड़ती हैं। लेकिन जैसे पुरानी बाल्टियाँ, टब या टिन होते हैं घी वाले, उनके अंदर ये लगाई जा सकती है ये चीज़ें। ये देखें यहाँ पे गुलाब का फूल लगा हुआ है, बाकी सब्जियाँ, मिर्चें, टमाटर और सैलेड वगैरह यहाँ पे ये लोग इस तरह से टब्स में लगा लेते हैं। तो आई होप कि हम लोग भी ऐसी चीज़ें करेंगे और इससे एक बहुत अच्छा असर जाता है गुजरने में।